प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के परिवार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता पर बड़ा आरोप लगा कर सनसनी फैला दी गई है। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए कि मंत्री नंदी ने अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे और वापस नहीं कर रहे थे। इसी बीच अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन बसपा में शामिल होकर मेयर के लिए चुनाव प्रचार करने की लगी, जिसमें नंदी और अभिलाषा इस बात से खुन्नस रखने लगे। इस वजह से ये पूरी साजिश करके अतीक अहमद और उनके परिवार को साजिश के तहत फंसा दिया। तरीके से कहा जा रहा है कि आपके पूरे परिवार इस पूरे घटना में बचे हैं, क्या कहना है आपका? जी, अब घटना में कौन है कौन नहीं हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन हमें जो टॉर्चर किया हम वो बताना चाहते हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि महिलाओं को ले जाए और टॉर्चर करे, पहली बार ऐसा हुआ है। तो अपने जेठ और अपने पति के लिए करना चाहते हैं। टॉर्चर गन दिखा के किया कि अगर नहीं बताओगे तो हम जान से मार देंगे। और तो महिलाओं को ऐसा करना चाहिए महिलाओं के साथ? ये हम नहीं बता सकते, इससे हम रहते ही नहीं, हमें नहीं मालूम कौन है कौन नहीं। वही बता रहे हैं, टॉर्चर में जो आप बार बार कह रहे हैं उसका क्या मतलब है? गन दिखाया है तो और दूसरा क्या? जी, गन दिखाया है कि हाँ जान से मार देगा, नहीं बताओगी तुम भाभी कहाँ है, असद कहाँ है, जब हम लोग जानते नहीं हम लोग क्या बताएं। जी, एक साल हो गया हमको गए, नहीं बस एक दो बार गए, उसके बाद गए ही नहीं। सर, आप सवाल कर रहे थे उनके परिवार में उस वक्त कुछ आपस में बहुत लड़ाई चल रही थी। सर, उनको जेल से बाहर ट्रांसफर करने में ये लोग साजिश रच रहे हैं यूपी पुलिस। उस परिवार में उस समय हमने आप लोगों के वीडियो में देखा था कि वो आपस में परिवार में बहुत सख्त दुश्मनी चल रही है और वो जो जिनकी हत्या हुई है वो हमारे भाई की गवाही में नहीं थे बल्कि उनका किसी समय किडनैप हुआ था सर। और पूर्व विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं। जी, मैं अपने मायके में थी, वहाँ पे आती है प्रशासन और एसटीएफ वाली टीम, हम लोग को उठा के बहुत टॉर्चर करके ले जाती है, अगर नहीं चलोगी तो गन दिखा के और ये करके बहुत परेशान किया। मेरे 4 बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं अपने मायके में रहती हूँ और यही कह रही थी कि अगर नहीं चलोगी तो तुम्हारे उनके हमारे जेठ और हमारे पति को जान का बहुत खतरा है। जी, हमें मायके से उठा ली, मैं वहीं पर रह रही थी काफ़ी टाइम से, मायके से उठाया गया और वहाँ मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे वो देख रहे थे, बहुत परेशान किया। उनके सामने वो रमित कुमार शर्मा यूपी पुलिस और एसटीएफ अमिताभ यशकर के थे, उन्होंने बहुत जी दोनों टीम थी, बहुत अधिकारियों ने बहुत परेशान किया, वहाँ ले गए तो बहुत टॉर्चर किया कि अगर नहीं बताओगी शाइस्ता जी को तो हम तुम्हारे पति और जेठ को जान से। जी, आपसे जानना क्या चाह रहे थे वो लोग, ये बताइए मेन क्या जानना ये चाह रहे थे कि शाइस्ता कहाँ है, उनका बेटा कहाँ है। जब सर हम लोग से कोई कॉन्टेक्ट हो ही नहीं पा रहा, हम लोग क्या बताएं, हम तो अपने मायके में थे, ये लोग भी हमारे साथ ही गए थे, हम तीनों एक साथ ही गए थे।